थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्यादा नहीं जानते। मैं माइंडसेट समझ गया। अच्छा थोड़ा बहुत जानते तो क्या नाम है आपका? मुझे मालूम है आप मेरे से टफ बन रहे हो, मैं भी टफ बन रहा हूं, मजाक कर। शशि जी हम एक दूसरे को जानते हैं, नाम से तो जानते हैं, हमें नाम तो मालूम है, राइट? और हम कैसे जानते हैं ये आप बता दीजिए। दोस्त हैं आपका? फोन आया था मेरे किसी नॉन ने आपके बारे में ट्वीट किया था, वो उन्होंने कहा था कि कोई तरुण जी है बहुत जबरदस्त आदमी है, लिए मजा आएगा और हम मजे लेने के लिए बैठे हैं। तालियां बजा रहे हैं इसका मतलब प्लान और टफ होने वाला है, ठीक है? अब आप मजे लीजिए, ये कह रहा है मैं मजे लेने आया हूं, अब आप मजे लीजिए, राइट? क्योंकि मेरा चैलेंज है कि मजे मैं लूंगा और आप लेंगे, ये नहीं ले सकते मजे, ये मजे ले नहीं सकते मेरे और ना आपके, और मजे कौन लेगा? कॉन्फिडेंस दिखाओ ना यार, मजे हम लेने वाले हैं, तो ताली बजा रहे हैं। मेरा नाम तरुण है और जैसे कि आपके मित्र ने मुझे आपसे बातचीत कराई थी, तो मेरे पास एक ऐसा बिजनेस है जो मैं आपसे शेयर करने आया। उस बिजनेस में हमें मात्र 2050 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करनी है और 2050 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके हमें करोड़पति बनने का रास्ता मिल सकता है। क्या ऐसा बिजनेस हम देखें? ऐसा देखा तो देना, लेकिन जोड़े जाने वाले का मतलब जोड़ने जाने वाला काम नहीं करना है आपको। आप क्या करते हैं? परचून की दुकान चलाते हैं। तो परचून की दुकान में ग्राहक किसने जोड़ रखे आपने? देखिए आप आ गया पहले तो अपने दुकान को खोली, आप उस दुकान को खोल के आपको कितने पैसे लगे उस दुकान को खोलने के लिए? पंद्रह लाख। ओ माय गॉड, 15 लाख लगा के बैठे आप और लगभग क्या आमदनी होती होगी? आप 15 लाख लगा के 60-70 हजार महीने का कमा रहे हैं और मैं आपको 2050 रुपए लगा के करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता बताना चाहता हूँ, क्या आप सुनना चाहोगे? सुनने में आ गए, क्योंकि अमाउंट अगर मैं इनको 20 हजार बोलता तो सुनने को तैयार नहीं होते, राइट? चलिए छोड़ते हैं इसको छोड़ते हैं, मैं सीधा अपने पॉइंट पर। तो सर मैं कुछ ही प्रॉब्लम है, इनमें से जो भी आपके घर पे कंज्यूम ना होता हो वो मुझे बताइएगा, वो मैं वापस डिब्बे में डालूंगा और जो कंज्यूम होता है उसको मैं आंसर देता हूं। क्लियर? सबसे पहले ये टॉयलेट क्लीनर हमारे पास आया है ऑप्शन में, क्या ये आपके घर में इस्तेमाल हो सकता है? इतना महंगा, उसके बारे में हम आराम से बात करेंगे। महंगा है, ठीक है, पर मैं नहीं पूछ रहा हूं कि महंगा है, सस्ता है, मैं पूछ रहा हूं इस्तेमाल होता है कि नहीं होता। ये दो टूथपेस्ट है, डिफरेंट दो वेरियंट, एक का टेस्ट डिफरेंट, एक का टेस्ट डिफरेंट है। क्या टूथपेस्ट आपके घर में इस्तेमाल हो सकती है? होती है, बढ़िया होती है। उसके बारे में बात छोड़ते हैं, क्या इस्तेमाल होती है? हो सकती है। एक शैम्पू क्या इस्तेमाल होता है? शैम्पू के साथ पाउच के काम चल जाता है। कोई बात नहीं, पाउच के काम चल जाता है, लेकिन क्या शैम्पू इस्तेमाल होता है? चुकी हुआ है, क्या इस्तेमाल हो सकता है आपके घर में? और आजकल डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं इसको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको जरूर इस्तेमाल करिए, बट क्या कुकिंग ऑयल आपके घर में इस्तेमाल होता है? मैं करोड़पति बनने का रास्ता बताने वाला हूँ। ये कुछ मसाले हैं मेरे हाथ में, गरम मसाला 100 ग्राम, लाल मिर्च 100 ग्राम, सब्जी मसाला 100 ग्राम,
हल्दी पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, क्या ये मसाले इस्तेमाल होते हैं? देखिए साबुन का पैकेट इसमें 400 होता है, ये इस्तेमाल हो सकता है। साबुन काम नहीं, काम है। डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने का, आधा किलो इस्तेमाल हो सकता है। रेट कितने सर, उसके बाद डिपेंड करेगा, रेट की बात हम बाद में करेंगे, आप देख लीजिए। आप देख लीजिए, दिस इज हैंड वॉश बॉडी वॉश बबल बाथ, क्या इस्तेमाल होता है? आप 60-70 हज़ार महीने का कमा रहे हैं यार, आपके घर में इस्तेमाल नहीं होता? कमा रहे हैं वो हमें मालूम है साहब, लेकिन ऐसी अच्छा वैसे इस्तेमाल होता है आपके घर में साबुन हैंड वॉश होता है ना, इस्तेमाल होता है ना? फ्री में अच्छा हो तो ले सकते, फ्री की छोड़ दो ना, फ्री में ही दूंगा ना, तब इस्तेमाल हो जाएगा, रख दूं। चाय बनती है घर में, इस्तेमाल होती है? बर्तन धोने का लिक्विड है, उसमें साबुन की पट्टी नहीं आती है आपकी? साबुन की पट्टी आती है, लेकिन बर्तन धोने के लिए आजकल लिक्विड आने लगा है, विच इज वेरी हाई क्वालिटी। आप बेहतर चीजें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? एक ये फिनाइल की जगह आता है, लाइजोल की जगह, पोछा मारने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट, ये इस्तेमाल हो सकता है। 2058 रुपए का प्रोडक्ट, इसका MRP लगभग 2300 रुपए, 2300 रुपए के आसपास आपको मिलता है 2058 में। और 2058 रुपए के साथ आपको ये लगभग 300 रुपए का प्रोडक्ट फ्री में भी मिलेगा, तो थोड़ी कॉस्टिंग आप लगा सकते हैं कि कम हो गई। 2058 रुपए आपका मंथली एक्सपेंसिव, हर महीने लेना पड़ेगा 2058 रुपए मंथली एक्सपेंसिव। और कोई जरूरत नहीं हो तो मैं आ रहा हूँ उस बात पे, आपका जवाब दे रहा हूँ। क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ 2058 रुपए महीने का खर्चा हो और उसे करोड़पति बना जा सकता है? इस तरह एनी बिजनेस इन योर नॉलेज? सर ऐसे तो आजकल बहुत सारी चीजें चलती है, लोग पता नहीं क्या क्या लेकर आते रहते हैं। मैं क्या क्या लेके आया हूँ, क्या क्या कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, इतना से इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, पता नहीं क्या क्या। नहीं नहीं मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें सिर्फ 2058 रुपए इन्वेस्टमेंट करनी हो और आपको करोड़ों रुपए कमाने का रास्ता मिल सकता हो? इस तरह की बिजनेस नहीं सुना है? आपकी दुकान पे कोई लड़के काम करते हैं? आते हैं लेकिन ज्यादा ठीक नहीं काम करते हैं। काम करते हैं लड़के? हाँ काम करते हैं। कितनी सैलरी देते हैं? किसी को 8,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, एक व्यक्ति की सैलरी 8,000 रुपए। दुकान चलाने का खर्चा कितना है आपका? 10-12 हज़ार दुकान चलाने में खर्चा हो जाता है। बिजली का बिल कितना आता होगा आपको? 3,000 रुपए। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस दे रहा हूँ जहां पर 3,000 रुपए भी खर्चा नहीं आएगा, वहां पर सिर्फ 2,000 रुपए महीना खर्चा है। बिजली का बिल महीने का आता है ना, 3,000 रुपए महीना बिजली के बिल का खर्चा है ना आपकी दुकान पर। यहाँ 2058 रुपए खर्चा है आपके बिजनेस को चलाने का, सामान तो फ्री में मिल रहा है, यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट फ्री, पैसे नहीं लेने। आपको 2058 रुपए खर्चने हर महीने, उनके बदले में प्रोडक्ट फ्री। बिजली का बिल समझ लीजिए 2058 रुपए है, वो बाद में बात करेंगे, करेंगे मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। 2058 रुपए खर्च करने हर महीने, 2,000 करोड़ समझ लो फाड़ के फेंकना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 2,000 रुपए बिजली का बिल देना है आपको, ऐसा समझ लो। 2,000 रुपए किसी कोई ऐसा दुकान पे कोई ऐसा वर्कर रखा है जो सिर्फ चाय पानी पिलाने का काम करते हो, 2,000 रुपए लेते हैं मान लेते हैं महीने के आपसे, वो 2,000 रुपए खर्चा है इस बिजनेस को चलाने का, 2,000 रुपए खर्चा है महीने का, सामान फ्री में मिल रहा है, समझ लो। कैसा लगा सुनने में? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो सच है आपको सिर्फ 2,000 रुपए खर्चने हैं हर महीने, और 2,000 के बदले में ये आपको करीबन 2,700 का सामान मिल रहा है। 2,058 रुपए डीपी प्राइस, MRP इसका 2,300, 300 का प्रोडक्ट फ्री, 2,600 रुपए का सामान आपको 2,000 में मिल रहा है, और करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस मिल रहा है। कैसा लगेगा? क्या आप ये 2,000 रुपए महीना खर्च सकते हो? कोई इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बस टर्म्स एंड कंडीशन देखने वाली बात। वो आ रहा हूं टर्म्स एंड कंडीशन पे मान। दिस इज अ किट, ये किट है हमने बनाई है अपने हिसाब से डिजाइन किया है, ये एक किट खरीदनी है और 6 ग्राफ ढूंढने हैं, 6 ग्राफ
क्या इस एटीएम क्षेत्र आप घूम पाएंगे? मुश्किल लगता है आसान लगता है? आप ये घुमा फिरा कर आप उन लोगों को छोड़ने की बात कर रहे हो, उन लोगों को ढूंढ के लाके आने के बाद हमारी बस की बात नहीं है, वो हम दुकान पर आ जाएंगे। दुकान पे रहो, ये धंधा बंद आपको ये जोड़ने जाने का काम है, बहुत कम है प्रसाद मैं पहले आपको बिल्कुल आप दुकान पे रहो, मैं जोड़ने का काम आपसे खर्चा करवा दूंगा। आप नहीं लेकिन 25 वर्ष करवा दूंगा। लेकिन तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, आप बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं जोड़ने का जो लाना था वो मैं जोड़ने की बात नहीं कर रहा। आपने क्या किया है, आपने एक किट खरीदा है 2000 रुपए, आप कह रहे हो कोई मुश्किल नहीं है 2000 रुपए में कर सकता हूं महीने, राइट? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी नजर में, आपकी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर पे सामान लगता हो, ऐसा सामान यूज होता हो, साबुन यूज होता हो, शैम्पू यूज होता हो, मसाले यूज होते हैं, कुकिंग ऑयल यूज होता हो, टॉयलेट क्लीनर यूज होता हो, शैम्पू यूज होता हो, चाय पत्ती यूज होती हो, क्या ऐसे लोगों को आप जानते हो? ऐसे तो ज्यादातर लोग तो आपने सवाल ही नहीं पूछा, आप आंसर सही दे दो। आप ये पूछते कि ऐसा कौन सा है तो व्यक्ति भी काम नहीं लेता उसको, मैं थोड़ा सोचता। हाँ तो सोचने वाली बात ऐसी हुई कि जैसे कोई ऐसा जिसके घर में नहीं लगता हूँ। ग्रेट, अब ये एक व्यक्ति है जिनके साथ मैंने इस बिजनेस को शुरू किया है, इनका किराने का काम है और किराने के काम से इनके सामने ये किसी ने पहुंचाया, इन्होंने ज्वाइन कर लिया। और जब ये किराने की दुकान चलाते थे तो ये इनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। जब ये इस बिजनेस में आए इन्होंने ये 2058 रुपए खर्च किए, किट खरीदी, 6 लोगों को किट बेची, पर आज ये 1 करोड़ की गाड़ी चलाते हैं। मैंने इनके साथ बिजनेस शुरू किया है और इनको इस बिजनेस की 18 साल का एक्सपीरियंस है। इनके साथ ये एक व्यक्ति हैं मिस्टर मनोज मलिक, ये अदानी ग्रुप में जॉब में थे और इन्होंने अपनी जॉब रिजाइन किया है, इन्होंने 2058 का किट खरीदा है, 6 लोगों को किट दिलाया है, आज ये अपनी BMW चलाते हैं। जी BMW अब जयपुर में रहते हैं ना, जयपुर में ये आलोक मुंडल साहब है, नाम सुना है कभी ना काम में? अरे ये देखे हुए इंजीनियर थे, जेएम थे। अरे अब नहीं करते, भैया 70,000 की सैलरी थी, यहाँ 7 लाख तुम्हारे महीने का, 1 किट खरीदी, 6 किट बेचे। यार ये गाड़ी देखो, ये तो गाड़ी देखो इनकी, दोबारा जाके आइए, वो घर 4 मंजिला बिल्डिंग बन गया। आलोक मुद्गल और दिखाते ये नरेंद्र खुरैना, मीनाक्षी खुरैना जी, ये भी जयपुर से हैं। अच्छा, ये वो थे क्या बोलते हैं जिम ट्रेनर, जिम में नौकरी करते थे, जिम में जाकर जाकर एक्सरसाइज कराया करते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों। आज कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? मर्सिडीज, आज मर्सिडीज चला रहे हैं। इन्होंने भी इन्हीं के साथ शुरू किया था, आलोक जी के साथ, सिर्फ 6 जनों को बेच के 2058 की किट खरीदी, 6 जनों को बेच के आज करोड़पति हो रहे हैं। अब असल में क्या है, आप खुशी जी पूरा सुनो, ये देखिए विजयपुर के मुझे नहीं करना। नमक देखो, मैं किसी आराम में नहीं हो रहा हूँ।
काम करते हैं, फिर आप अपनी किराने की दुकान पे मेरे ख्याल से खुश रहिए, फिर गाड़ियां वाड़ियां थोड़ी मुश्किल है। सिंपल फॉर्मूला जो कि मैं कर ही नहीं सकता, मुझे उसको करवाना भी क्यों है। थैंक यू, बाय बाय। लेकिन 10 मिनट पहले अभी कह रहे चाय बना रही है, चाय आ रही है। गेट मी दैट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड मार्कर। हमें क्या करना है, आपको क्या करना है? आपको लग रहा है जोड़ने जोड़ने वाला काम बहुत मुश्किल है, ठीक है? आपको लग रहा है मुश्किल, तभी आप बोल रहे हो आपको डर लग रहा है, डर लग रहा है इन चीजों से। आपको एक काम करना है, आपको जिन लोगों को लगता है, जिन लोगों को लगता है कि वो ये सामान यूज कर सकते हैं, उनको आपको कुछ नहीं बताना है, उनको आपको मुझसे मिलवाना है जैसे आपको उन्होंने मुझसे मिलवाया। आप मुझसे मिलवा सकते हैं? अब एक काम करिए, पहन दीजिए, अब नाम बोलिए किन किन लोगों को हम मिल सकते हैं। एक तो साहब मैं जिनका साला हूं, और एक वो तो मेरा साला है। नाम बोलिए सर। रामशरण जी, दिनेश, और बताइए बताइए। अरे नहीं छोड़ो, हमने देना नहीं है किसी को, हमने देना नहीं है किसी को। आप सिर्फ नाम बोलो जिनके घरों, जिनको आप जानते हो और जिनके घरों में सामान यूज हो सकता हो, बस फटाफट नाम बोलो। दर 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 स्पीड में। बिल्लू, बिल्लू, अरविंद, कैलाश, जस्ट चंद्रमोहन जी,